कुछ तो करना पड़ेगा भाभी, क्योंकि परी भाभी तो गई है कॉलेज में पढ़ाने के लिए, और हम लोग क्या यहाँ दिन भर किचन में मसाला पीसने के लिए बनी है? सोचिए, कुछ तो हमें भी करना चाहिए ना। हाँ। वरना घर के काम काजों में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कुछ सोचा? पत्ते झड़ जाएंगे आने तो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों ना हम एक बुटीक खोल लें? हाँ, घर पे बहुत मजा आएगा, घर पे भी रहेंगे और साथ में बुटीक की नई नई साड़ियाँ भी पहनेंगे, सही है? हाँ, ये सही रहेगा, आराम का आराम और व्यापार का व्यापार। सही है, ठीक है, ठीक है। सही है। क्या बात है, तीनों बहुत खुश नजर आ रही हो, हम्म? जरा मुझे भी बताओ। माँ साहब, परी भाभी से हमें भी प्रेरणा मिली है कुछ कर दिखाने की, मतलब हाउसवाइफ के अलावा भी कुछ और काम करने की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग क्या करना चाहती हो? माँ साहब, हम बुटीक खोलेंगे। हाँ। यही घर पर? हाँ, मगर इसके लिए अनुभव की जरूरत होती है। ऐसे कैसे अचानक तुम लोग? हाँ माँ साहब, हम मैगजीन से देख के डिजाइन कर लेंगे। और माँ साहब, आपको पता है हमारी बबीता रानी अपने लिए ब्लाउज और साड़ी डिजाइन करवाती है, तो हमारे बुटीक के लिए भी यही डिजाइन करवा लेगी आनी। तो मना मत कीजिए ना माँ साहब, हम तीनों भी तो आपकी बेटियों जैसी हैं, हम तीनों मिलके सारा काम संभाल लेंगे। अच्छा ठीक। माँ साहब, यानी आपने हम लोगों को इजाजत दे दी? हाँ, मगर घर की सारी बहू है, अगर काम करना शुरू कर दे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ साहब, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हम है ना, हम बुटीक भी संभालेंगे और घर भी संभाल लेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। बोल तो दिया बड़ा कूद के कि सब संभाल लेंगे, पर हम तीनों मिलके ये दो काम संभालेंगे कैसे? तुम पगला गई हो बबीता रानी, अरे हम क्यों करेंगे घर का काम? घर का काम करेंगे नौकर आनी तो। और शराबी है ना, वो कर लेगी सारा काम। पर भाभी, हम चारों मिलके काम करते थे तो हो भी जाता था, अब शराबी अकेले कैसे संभाल पाएगी? इसके लिए तो ज्यादा नौकर लगेंगे। ज्यादा नौकर? अब पर कितने? कम से कम 5, जो घर भी चलाएंगे और हमारी सेवा भी करेंगे। पत्ते झड़ जाएंगे आनी तो। हाय हाय बबीता रानी, मतलब सेवा के लिए अलग और बिजनेस के लिए अलग। सो तो है, पर नौकर ढूंढने पड़ेंगे, और वो भी 5। कैसे? और वो भी एक साथ? रोल नंबर 1 मैम। 2 प्रेजेंट मैम। 3 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 4 प्रेजेंट। रोल नंबर 5 रोल नंबर 21 रोल नंबर 21 आपका, हम अटेंडेंस ले रहे हैं आपकी, आपका रोल नंबर 21 है, ठीक है? सत्तू जी, सत्तू जी, ये मटर छिलके, ये सब्जियां यहाँ, ये बबली मैडम का है, और हाँ, myself बबली। हेलो, हाय। आप परी शर्मा हो ना? वो इकोनॉमिक की नई टीचर? जी। सुना है स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट समझकर आप ही की रैगिंग कर डाली। और वो आपको कैसे पता? मैं रहती हूँ, पर खबर
हर जगह की, यहाँ की, वहाँ की, सब जगह की। अच्छा आप ये बताइए, सॉरी हमें कुछ समझ नहीं आया। अजी ये पूछ रही हैं कि आप एकल हैं या डबल? एकल डबल अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप विवाहित हैं या अविवाहित? ये क्या है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हम लोग यहाँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप हमसे सवाल पूछ रही है, हमने आपसे सवाल किया है, आप जवाब दीजिए। एक्चुअली क्या हुआ ना, हम यहाँ से गुजर ही रहे थे तो हमने सीढ़ियों के नीचे से ना आवाजें सुनी, जब हमने आके देखा तो ये रोल नंबर 21, ये ना यहाँ पर खड़े होकर खाना खा रहे थे। एक मिनट सत्येंद्रा, खाना तो आप खा रहे थे ना, फिर मिस परी के हाथ में निवाला कैसे? क्या आपको भी सबके सामने खाने में शर्म आती है? नहीं नहीं हमें शर्म, दरअसल इस सवाल का जवाब भी रोल नंबर 21 देंगे। खाना हमारे घर का खाना बहुत अच्छा बनता है, तो हम चाहते थे कि परी जी भी चखे देखें, हमारा मतलब है मैडम भी चखे देखें, तो आप भी चखे देखिए ना। नो थैंक्स। सुनो, सुनिए जी, इंटरव्यू देना है कि नहीं? जी जी जी। प्रेम तुमो जी, चलिए आपका हम सोनू। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम क्या है आपका? नाम बंदे को प्रेम कहते हैं, प्रेम रतन। अच्छा, इससे पहले कहाँ कहाँ काम किया है? अब काम का क्या बताएं भाभी जी, अभी हाल ही में अमित जी के यहाँ से छोड़ा है। अमित जी? अरे अपने अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? हाँ। अच्छा ठीक है। अरे मेरे तो घर के जैसा था वहाँ। तुम काम कर रहे थे तो अचानक से आप यहाँ लखनऊ में क्या कर रहे हैं? बाय द वे अब नवाबों के शहर में नवाबी करेंगे और क्या है? घर में पांच पांच नौकर, मगर किस लिए? वो क्या है ना दद्दू, कल से हम बुटीक खोलने के काम में लगने वाले हैं, तो घर संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना, बस इसीलिए हमने इन सब को रख लिया। हाँ दद्दू, पत्ते झड़ जाएंगे, हमने पानी चाहिए तो नौकर, खाना चाहिए तो नौकर, और तो और हमने पैर दबाने के लिए भी नौकर रख लिया। हाँ नहीं तो। अच्छा तो तूने इसलिए खाना नहीं खाया क्योंकि परी ने नहीं खाया? और नहीं तो क्या मासा, अब परी जी भूखी रहेंगी तो हम कैसे खाना खा सकते? परी बेटा तुझे भूख लगी होगी ना? उनसे ज्यादा हमें भूख लगी है, भूखे तो हमने थोड़ा फास्ट फूड खिला दिया था, भूखे तो हम रह गए हैं। आपको बस दो तीन जगह सिग्नेचर्स करने हैं और उसके बाद कंपनी और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। सोच मत, बस जल्दी से साइन कर दे। कांग्रेचुलेशंस मैम, कंपनी की ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई। बधाई हो परी, आपने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, पता नहीं इसे कैसे पूरा कर पाएंगे।